हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर एंड इसी में हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस भी समझेंगे जो लास्ट वीडियोस में भी वैसे हम कर चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और इस वीडियो में भी हमने शॉर्ट में उसको समझा है एंड इसके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है सो so एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा होल नंबर क्लास सिक्स एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर वन राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन हमें इस नंबर के बाद के तीन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं नैचुरल नंबर्स कौन से होते हैं नैचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे ख़त्म होते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसमें वन से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट पे ख़त्म होगा सो नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स लिखने हैं इसका मतलब इसके बाद आने वाले तीन नंबर्स लिखने हैं सो so, ये है टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन के बाद आएगा इलेवन थाउजेंड उसके नेक्स्ट आएगा इलेवन थाउजेंड वन और उसके नेक्स्ट आएगा इलेवन थाउजेंड टू सो ये हो गए इसके नेक्स्ट के थ्री नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द थ्री होल नंबर्स अक्रिंग जस्ट बिफोर टेन थाउजेंड वन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है टेन थाउजेंड वन से पहले आने वाले तीन होल नंबर्स लिखने हैं सो so यहाँ पर पहले आने वाले नंबर्स लिखने हैं और सेकेंडली यहाँ पर होल नंबर्स की बात की गई है होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पर ख़त्म होते हैं सो so इसमें और नैचुरल नंबर्स में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं सो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ़ एक नंबर का डिफरेंस होता है ज़ीरो होल नंबर में ज़ीरो आता है नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है सो so, बाकी काउंटिंग सब सेम रहती है सो so कुछ और डिफरेंस इसमें नहीं होता है अब यहाँ पे हमें क्या करना है होल नंबर्स में टेन थाउजेंड वन से पहले के तीन नंबर लिखने हैं सो टेन थाउजेंड वन से पहला जो नंबर आएगा वो होगा टेन थाउजेंड इससे पहले जो आएगा वो होगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन और इससे पहले जो आएगा वो आएगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी एट सो ये थे इसके पहले के तीन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो कि अभी हमने आ, मैंने अभी बताया था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है सो so, यहाँ पर होल नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर की बात की गई है सो होल नंबर शुरू होता है ज़ीरो से इसका मतलब इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है ज़ीरो अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो सो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर होता है वन बिकॉज नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं सो so, ये इन दोनों का एक डिफरेंस है इसलिए ये याद रखना है कि अगर होल नंबर का स्मॉलेस्ट पूछा है तो जीरो होगा क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री थर्टी टू और फिफ्टी थ्री के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे सो so, काउंटिंग तो पूरी आती है होल नंबर्स में जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सो so, इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब होल नंबर ही होंगे अब लेकिन हमें नंबर बताना है कितने नंबर्स आएंगे इसके बीच में सो so, इसका दो तरीके हैं इसके या तो हम इसके बीच की काउंटिंग कर कर हम पता लगा लें कितने नंबर्स आ रहे हैं या फिर दूसरा एक तरीका ये है कि इन दोनों का हम डिफरेंस करें और उस डिफरेंस में से वन माइनस कर दें सो so जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने नंबर्स आने हैं जैसे कि ये है थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री तो हम क्या कर सकते हैं फिफ्टी थ्री में से थर्टी टू माइनस कर देंगे थ्री में से टू गया वन फाइव में से थ्री गया टू अब इसमें से हमें माइनस करना है वन सो इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ट्वेंटी होल नंबर्स आएंगे ये वन हमने क्यों माइनस किया है ये वन माइनस करने का एक ये रीज़न है क्योंकि हमने जब फिफ़्टी थ्री में से थर्टी टू माइनस किया सो so उस में हमारा एक नंबर जो है वो फिफ्टी थ्री भी काउंट हो गया था जो कि हमें नहीं लेना था सो so इसीलिए हमने वन भी माइनस किया बिकॉज हमें सिर्फ इन दोनों के बीच के नंबर्स देने हैं इन दोनों को काउंट नहीं करना है उसमें से तो इन दोनों में से कोई भी नंबर काउंट नहीं होना चाहिए इसलिए हमने माइनस वन कर दिया तो हमारा आंसर आया ट्वेंटी इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में ट्वेंटी नंबर्स आएंगे दूसरा तरीका वो भी है कि हम इसकी काउंटिंग से ही पता लगा सकते हैं जैसे कि ये थर्टी टू है सो नेक्स्ट आएगा थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोटी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोटी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये होते हैं पूरे ट्वेंटी नंबर्स जो कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया था माइनस करके ये वाला तरीका हम सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब नंबर्स कम हो मतलब ये छोटे नंबर्स हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसके बीच में बहुत सारा गैप होता तो उस हर नंबर को लिखकर हम नहीं चेक कर सकते थे अगर हम इस तरीके से पूरी काउंटिंग लिखने बैठ जाएंगे और काउंट करने लग जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और एग्ज़ाम ही खत्म हो जाएगा सो so, इसी बेस्ट वे ये है हम इसका डिफरेंस निकालें और उसमें से वन माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसके बीच में कितने होल नंबर्स आ रहे हैं